मार्च में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन रेट ये 4.85% पे आ गया है, जो कि 9 मंथ लो है। फरवरी में ये 5.09 था। तो अभी इन्फ्लेशन रेट ये अराउंड अंडर कंट्रोल लग रहा है। आरबीआई का जो रेंज है 2-6%, जिसे आरबीआई कंफर्टेबल होती है, वो कंफर्टेबल रेंज में काफ़ी अच्छे से आ गया है। सो इससे आगे इंटरेस्ट रेट कट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये बस इंडिया के इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड नहीं होता, जो भी वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स हैं, जो भी यूरोपियन बैंक्स हैं, जो भी फेडरल रिजर्व है यूएस का, वो इंटरेस्ट रेट कब कम करते हैं उनके साथ ही हम लोग इंटरेस्ट रेट अपनी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी। अदरवाइज जो रुपी का फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके वजह से इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट कट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इंटरेस्ट रेट कट इतना इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों है? क्योंकि अभी तक जो सेंट्रल बैंक का टारगेट था वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, और अभी ऐसे लग रहा है कि वो अंडर कंट्रोल लग रहा है। बट अगर इंटरेस्ट रेट कट्स हुए तो उसके वजह से लोन के रेट्स कम हो जाएंगे। जब भी लोन के रेट्स कम होते हैं तो जो कॉमन मैन है उसका एक्सपेंडिचर पावर बढ़ जाता है, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, उससे इकोनॉमीज को बूस्ट मिलता है। ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट्स को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन्स मिलते हैं वो कम रेट में मिलने चालू हो जाएंगे, उसके वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो अपना बिजनेस एक्सपांड करेंगे, इसके वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड अल्टीमेटली वो कंट्री का स्टॉक मार्केट भी उससे बढ़ जाता है। ये सब कनेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो कि लिंक है इंटरेस्ट रेट कट से। सो हम लोग आगे जाके देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट्स कभी होते हैं।